कल से मिशन यूपी को रफ्तार देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बुंदेलखंड से होगी तीन दौर की शुरुआत। कल महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती में शामिल होंगे पीएम मोदी। झांसी किले में नए सिरे से लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत करेंगे। बुंदेलखंड को करीब 3000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम के यूपी दौरे से पहले दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। पार्टी अध्यक्ष की अगुवाई में तैयार की गई चुनावी रणनीति। यूपी के लिए बीजेपी ने दिग्गजों को दी बड़ी जिम्मेदारी। जेपी नड्डा होंगे गोरखपुर और कानपुर के प्रभारी। अमित शाह को बनाया गया ब्रज और पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी। राजनाथ सिंह को काशी और अवध क्षेत्र का प्रभार दिया गया। आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, ये लोगों की बड़ी रैलियां और इनका प्रवास के कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के चर्चा हुई है। रथ यात्रा से योगी सरकार की उपलब्धि बताएगी बीजेपी। चार रूटों पर निकलेगी यात्रा। समापन पर लखनऊ में मेगा रैली। 20 और 21 नवंबर लखनऊ में ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस। दोनों दिन कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम। गृहमंत्री अमित शाह करेंगे डीजी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में हो रहा है आयोजन। अखिलेश यादव के चिलमजीवी बयान पर साधु संतों में नाराजगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से माफी की मांग। जिस प्रकार अखिलेश यादव जी ने कल भगवाधारी सन्यासियों के ऊपर प्रहार किया, यह उनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है कि ये अव्वल किस दर्जे तक का हिंदू विरोधी व्यक्ति है। भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता निरहुआ ने अखिलेश यादव पर दिया बड़ा बयान। बोले, एक खास मजहब के लोगों से नफरत करते हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। अखिलेश यादव जी, ये जो एक रंग से आपकी और आपके पार्टी की जो नफरत है वो तो जग जाहिर है। जिन्ना की विचारधारा वाले आदमी हैं और अगर आपको मौका मिला तो आप इस देश का प्रदेश का क्या करेंगे ये सबको पता होना चाहिए। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने भी अखिलेश यादव को घेरा आज तक से खास बातचीत में। बोले, वोटर नहीं हो सकते। रैली में उमड़ रही भीड़। लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ले एयरपोर्ट पर सेना के अधिकारियों ने स्वागत किया। रक्षा मंत्री ने रिजांगला में मरम्मत के बाद वॉर मेमोरियल का लोकार्पण किया। 1962 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लद्दाख में सेना के टॉप कमांडर्स के साथ रक्षा मंत्री की बैठक। एलएसी के ताजा हालात पर भी चर्चा। लद्दाख दौरे पर गए रक्षा मंत्री की दो टूक। भारत की सीमा की ओर नजर उठाने वालों की खैर नहीं। पीएम के कुशल नेतृत्व में मजबूत है देश। रक्षा मंत्री ने वॉर वेटरन्स को खास अंदाज में किया सम्मानित। चीन के खिलाफ लड़ने वाले ब्रिगेडियर को व्हीलचेयर पर लेकर युद्ध स्मारक तक गए। दिल्ली में आयोजित एक सिंपोजियम में पीएम मोदी ने बैंकों को दी नसीहत। बोले, अपने साथ देश की बैलेंस शीट को भी बढ़ाना है। दवा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते दबदबे के बारे में पीएम ने दुनिया को बताया। फार्मास्यूटिकल वैश्विक सम्मेलन में बोले, कोरोना काल में किया बेहतरीन काम। सिडनी संवाद को पीएम मोदी ने किया संबोधित। प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति को लेकर कहा, डिजिटल युग में तेजी से हुआ बदलाव। लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक। सुलझ गया 21 साल पुराना विवाद। शिमला में खत्म हुआ ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। लोकसभा स्पीकर की अगुवाई में विधायिका की समस्याओं पर चर्चा हुई। करतारपुर कॉरिडोर पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी। जत्थे में 14 लोग शामिल। नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर जाने की नहीं मिली इजाजत। तीसरे जत्थे में 20 नवंबर को करेंगे दर्शन। कल पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक भी जाएंगे करतारपुर साहिब। सांसद भगवंत मान का भी प्रोग्राम। आम लोगों के लिए भी खुला करतारपुर साहिब का रास्ता। पासपोर्ट के साथ कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज और आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। डेरा बाबा नानक शाह पहुंचे पंजाब। बीजेपी के 21 सदस्य, हरियाणा के नेता भी रहे साथ। असदुद्दीन ओवैसी ने वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में कराई FIR। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप। दिल्ली में अब भी बेहद खराब है हवा। 360 के करीब है AQI। सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जारी है युद्ध। बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट पेट्रोल पंप पर पहुंच रही गाड़ियों का 10,000 का काटा जा रहा है चलान।
प्रदूषित यमुना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का ऐलान, 6 सूत्री एक्शन प्लान का ऐलान, फरवरी 2025 तक हासिल होगा लक्ष्य। 6 एक्शन यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। यमुना की सफाई को लेकर केजरीवाल के ऐलान पर बीजेपी का पलटवार, पुरानी स्क्रिप्ट बताकर हमला किया। अरविंद केजरीवाल जी, पिछले 7 सालों से झूठ पर झूठ बोलना ये आपका सालाना व्यवहार बन गया। एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के धर्म पर फिर उठा सवाल, नवाब मलिक ने जारी किया स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार वानखेड़े का पूरा नाम है समीर दाऊद वानखेड़े, धर्म की जगह पर लिखा मुस्लिम। समीर वानखेड़े जाली नोट के भी खिलाड़ी हैं, और जाली कागजात कैसे बनाए जाते हैं, करारे करारे कागज सामने रख रहे हैं। समीर वानखेड़े कैंप ने हाईकोर्ट में नवाब मलिक के आरोपों को गलत बताया, कहा झूठे दस्तावेज से कोर्ट को कर रहे हैं गुमराह। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार किया। अनिल देशमुख केस में सीबीआई का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप, बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा शर्मनाक तरीके से जांच में डाला जा रहा है अड़ंगा। रेप मामले में दोषी पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, डिफॉल्ट जमानत देने से किया इनकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के निर्देश। ईडी और सीबीआई डायरेक्टर के पद का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ एससी पहुंचे रणदीप सुरजेवाला, सरकार के अध्यादेश के खिलाफ डाली याचिका। हरियाणा के रोहतक में लेफ्ट के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोल। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ को लेकर ममता सरकार के प्रस्ताव पर बड़ा बवाल, 65 विधायकों के साथ फोर्स के मुख्यालय पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। श्रीनगर के हैदरपुरा मुठभेड़ को लेकर बढ़ा बवाल, धरने पर बैठे पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, परिजनों को लाश सौंपने की मांग की। हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का विरोध प्रदर्शन, हाईकोर्ट के जज से जांच की मांग। हैदरपुरा में मारे गए 2 नागरिकों के परिवार का श्रीनगर में प्रदर्शन, पुलिस ने धरना स्थल से हटाया। नजरबंद की गई पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अगले आदेश तक श्रीनगर के घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। हैदरपुरा एनकाउंटर पर बवाल बढ़ा तो उपराज्यपाल ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, एडीएम रैंक के अधिकारी को मिली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में पूंछ की कृष्णा घाटी में चलाया सर्च ऑपरेशन, आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद ताबड़तोड़ एक्शन। भगोड़ा घोषित हुए परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने पूछा पहले अपना ठिकाना बताएं, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर। परमबीर सिंह ने गिरफ्तारी पर रोक के लिए लगाई थी याचिका, कोर्ट के सवाल पर बोले अगर सांस लेने की इजाजत मिले तो गड्ढे से बाहर आ जाऊंगा। अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग, सुरक्षित है क्रू के सदस्य। आंध्र प्रदेश में माओवादियों पर शिकंजा कसने की कवायद, विशाखापट्टनम समेत कई शहरों में एनआईए का छापा। राजस्थान के झालावाड़ में 4 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या, पड़ोस में रहने वाली महिला पर आरोप है। बैतूल में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सामने आई लापरवाही, मौत के 7 महीने बाद महिला को लगा सेकंड डोज। राजस्थान के भरतपुर में पकड़ा गया फर्जी आईएएस अफसर, लोगों ने जमकर पिटाई की। दिल्ली के लाल किले में मॉक ड्रिल, एनडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस शामिल। देवबंद में बीएसएफ के जवान की लाश मिलने से हड़कंप, घर की छत में फंदे से लटका मिला शव। बारामती के पास ट्रक की चपेट में बाइक को रौंदा, पति और पत्नी की मौके पर मौत। मुजफ्फरनगर के फर्नीचर शोरूम में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका है। हरियाणा के यमुनानगर में दिल दहलाने वाला हादसा, तेज रफ्तार कार ने स्कूटी पर जा रही महिला को घसीटा। फिरोजपुर के सरेरी गांव में गुंडागर्दी का आलम सामने आया, अंधाधुंध फायरिंग का वीडियो। प्रयागराज में किसानों का विरोध प्रदर्शन, ट्रैक्टरों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे प्रदर्शनकारी। अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में प्रकाश पर्व की तैयारियां, लाखों की तादाद में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर लोगों में जबरदस्त उत्साह, कपूरथला में निकला भव्य नगर कीर्तन। वाराणसी में देव दीपावली की जोरदार तैयारी, 15 लाख
दीपक जलाने का कार्यक्रम। पुष्कर में ब्रह्म चतुर्दशी पर संतों ने किया शाही स्नान, बैंड बाजे के साथ सप्तऋषि घाट में लगाई डुबकी। चमोली में एक साधु ने सिर पर उगाई हरियाली, कोरोना काल में भगवान शिव से भक्तों की बेहतरी की कामना के लिए की थी प्रार्थना। इस साल पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले में घट गई ऊंटों की संख्या, बिकने के लिए पहुंचे हैं सिर्फ 2500 ऊंट। मुंबई में बेमौसम बारिश से आफत, कई जगहों पर पानी जमा होने से बड़ी मुसीबत। तमिलनाडु में फिर भारी बारिश की चेतावनी, 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट, मछुआरों को समुन्द्र में नहीं जाने की सलाह। चेन्नई के साथ तिरुवल्लूर, कुडलोर, वेल्लोर जैसे कई शहरों में बंद किए गए स्कूल कॉलेज, आपात स्थिति से निपटने की तैयारी। तमिलनाडु में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की जेब पर डाला बोझ, बढ़ गए सब्जियों के दाम। केरल के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, इडुक्की नदी पर बने डैम के 3 गेट खोले गए। अंदरूनी मुश्किलों में अटकी है रिटेल सेक्टर की ग्रोथ, थिंक चेंज फोरम ने कहा ग्रीनफील्ड नेशनल रिटेल पॉलिसी पर जल्द काम करने की आवश्यकता। 372 अंकों की गिरावट के साथ 59,636 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 133 अंक गिरकर 17,764 पर निफ्टी बंद। आईपीओ प्राइस से 9% नीचे हुई पेटीएम की लिस्टिंग, निवेशकों को हर एक शेयर पर 350 रुपए का घाटा हुआ। अक्टूबर में वाहनों की रिटेल बिक्री में 5.33% की गिरावट, अक्टूबर 2019 के मुकाबले 26.5% से ज्यादा लुढ़की बिक्री। महिंद्रा की गाड़ियों पर मिल रहा है 82,000 रुपए तक का डिस्काउंट, 30 नवंबर तक स्कॉर्पियो और एक्सयूवी 300 समेत कई गाड़ियों पर मिलेगी छूट। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के कारोबार में उतर सकती है टाटा मोटर्स, फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत वाहन कबाड़ केंद्र स्थापित करने की योजना। इंडोनेशिया के एविएशन सेक्टर में जीएमआर एयरपोर्ट्स की एंट्री, एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए जीती बोली। कल रांची में खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच, सीरीज बचाने के लिए कीवी टीम का मैच जीतना जरूरी। रांची पहुंची भारत और न्यूजीलैंड की टीम, कोरोना महामारी को देखते हुए एयरपोर्ट से होटल तक एयर बबल बनाकर पहुंचे खिलाड़ी। एटीपी टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे सर्बिया के नोवाक जोकोविच, 5वीं वरीयता प्राप्त रूस के एंड्री रूबलेव को दी मात। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बाढ़ से तबाही हुई, इमरजेंसी का ऐलान, कई जगह टूटे पुल। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बाढ़ से हाहाकार के बीच आग का तांडव, जलकर खाक हुई पार्किंग में खड़ी करीब 100 गाड़ियां। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिमी हिस्से में भीषण बम धमाका, एक की मौत, आईसिस पर विस्फोट का शक। सूडान में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन, लोकतंत्र समर्थकों पर सेना ने चलाई गोलियां, 15 लोगों की मौत। ग्रीस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प, उपद्रवियों ने फेंके पेट्रोल बम, सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले। भूमध्य सागर में हादसे का शिकार हुआ ब्रिटिश युद्धपोत पर तैनात F-35 लड़ाकू विमान, बाल बाल बची पायलट की जान। यूरोपीय देश स्लोवाकिया में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, राजधानी ब्रासिलावा में बिना मास्क के लोगों ने निकाला मार्च।